नहीं हेलो हेलो, ये देखो हमारे ताऊ जी दादाजी से मिलने आए हैं। अभी ताऊ जी पहुंच ही रहे हैं, मास्क भी नहीं उतारा है। आ जाओ। मास्क तो उतार देते हाँ, ये सैनिटाइजर कोरोना दोबारा फैल गया क्या? ताऊ जी प्रिकॉशन लेना हुआ। कौन आए? आगर नरेश। हाँ आगर नरेश कौन है हमारे दादाजी? आगर नरेश। हाँ ये देखो। ये देखो चाचा भतीजे, चाचा जी और भतीजे जी। हाय हेलो। अब हम जा रहे हैं गौरव राव दीदी का कुछ सामान लेने और थोड़ा घूमने भी, बहुत दिनों से नहीं गए, आज हम घूमने जा रहे हैं बाहर। हम आपको दिखाएंगे बाहर का नजारा। अभी हम पहुंचे हैं मोतीनगर। अब मास्क हम हटाने चलते ड्यू टू कोविड। आगे आपको आगे का माहौल अंदर ही अंदर जा रहे हो। हेलमेट पहन के भी शकल ना आपको आवाज सुनाई देती ना हमारी शकल दिखाई देती। हम आपको बाहर का नजारा दिखाते कैसा है। हम जा रहे हैं गौरव राव फिलहाल रस्ते में। बाहर का ऐसा हो रहा है आज हम इतने दिनों बाद गौरव राव को जा रहे हैं। ये कोविड की वजह ना हम कोई बाहर जा पाए ना ये गाड़ी कहीं गई है। आज इस गाड़ी की पावर सर्विसिंग भी करा के लाए हैं। तो यार गाड़ी बड़ी प्यारी चल रही है आज। बहुत दिनों बाद आज हम घर से बाहर निकले हैं तो मैंने सोचा एक छोटी सी राइड भी मार के आते हैं और थोड़ा काम है वो भी करा के लाते हैं। तो हर्षित हमें ड्राइव पे ले जा रहा है तो चलो देख के मैं आपको स्पीड दिखाऊं। हर्षित किस कम स्पीड में ले जा रहा है ये देखिए दोस्तों, हमारी स्पीड कितनी कम है। एक रोड अच्छी नहीं है ना आगे तो हल्के हल्के गाड़ी चला रहे हैं। आगे से गाड़ी आ रही है, हम फोन पीछे दे रहे हैं। ये देखो हम मेन मार्केट पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमें मेन उसमें जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, यार अब दीदी का काम करा रहे हैं यहाँ पर। अभी दीदी का कुछ फॉर्म वॉर्म बनना है, उसका काम चल रहा है। अब बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पर, बारिश आती है हम फंसते हैं लग रहा है मुझे। बारिश का मौसम बनते जा रहा है, यहाँ देखिए पूरा बारिश का मौसम फंसा हुआ है यहाँ पर। तो हम जाते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं चला। दीदी का एक फॉर्म भी नहीं भरा है अभी तक। अरे यहाँ बारिश का, बारिश में भीगते भीगते चले जाएंगे तो फॉर्म भीग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। जा रहे हैं अंदर को, दीदी का फॉर्म यहाँ भर रहा है, यहाँ दीदी का फॉर्म भर रहा है। दीदी अपना फॉर्म भर दिया यहाँ पर। सो फाइनली हमारा काम हो गया है, अब हम जा रहे हैं घर को। और मैं ना यहाँ का आपको सबसे फेमस ना मंदिर दिखाती हूँ, हनुमान मंदिर। ये हमने अपने पूरे ब्लॉग में भी दिखाया है एक बार। बेटा ये देखो, ये पंचमुखी मंदिर है, हनुमान मंदिर। ये देखिए ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है। चल तो नेक्स्ट मंदिर भी हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे घंटी बज रही थी तो हर्षित रुक गया। ये गौरव राव का मंदिर है, शिव जी का। चलो अब हम निकलते हैं घर को। हम पहुंच गए डीबर के पास, अब हम जा रहे हैं घर। शाम हो रात, हम लोग निकले ही 6:30 बजे थे तो अब रात होना तो बनता है ना। गाइस अभी हम घर जा रहे हैं, रास्ते में अंधेरा हो चुका है। घर वाले भी टेंशन ले रहे होंगे कहाँ गए। नहीं पता है हम कहाँ गए, पर इसका काम भी नहीं हुआ था तो थोड़ी देर हो गई है। और अभी हम यहाँ का नजारा देख सकते हैं आप लोग। अंधेरा पूरी और क्या हो चुका है, लाइट नहीं आ रही है। सो गाइस अभी हम यहाँ रुक चुके हैं, अब एक जगह रुके हैं हम अपने मामा की दुकान में। ये हमारे मामू की दुकान, माँ संतोषी जनरल स्टोर। ये हमारे अंकल है और वहाँ हमारे मामू। हाय मामू। नमस्कार नमस्कार। कोई भी सामान लेना है यहाँ? हर टाइप का सामान मिलेगा, एकदम सिस्टमेटिक वे से सारा सामान रखा गया है यहाँ पर। ये लाइटर भी है और एक ऊपर एक सेकंड ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी बना रखा है उनने ऊपर सामान के लिए। यहाँ पूरी दुकान है, ये मॉल टाइप का खुला है सामानों का, जनरल स्टोर पूरी तरीके से है यहाँ। ठंडा सब मिलेगा आपको। मामू जी जी आपने दुकान के बारे में बताइए कुछ। आइए हमारी दुकान में आइए आप लोग सब। ये हमारे मामू अरे सामान दे रहे हो किसी को अभी, एकदम टॉप क्वालिटी का आपको यहाँ से सामान मिलेगा। यहाँ से हर चीज के हर टाइप का सामान मिलेगा आपको। हमारे अंकल है यहाँ पर सामान देने के लिए खड़े हो। ये लीजिए आपकी चीनी। वो देखो वो एक ग्राहक को उन्हें चीनी दे दी है, उनको चीनी मिल गई, वो चीनी ले गए अपनी।
यहाँ मिठाई, सोन पापड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, राजभोग सब मिलेगा आपको यहाँ। यहाँ देखो एक ग्राहक को अभी मिठाई दे रहे हैं, अभी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते उनको। एक किलो आधे किलो जितनी मिठाई दे वो आप सामान बोलोगे, यहाँ सब टाइप का सामान है। यहाँ पर जो टाइप की चॉकलेट है, आइसक्रीम हो गई, सब मिलेगी आपको यहाँ। आपको हम पूरी दुकान दिखाते हैं, यहाँ पर क्या क्या सामान रखा है, हर टाइप का ठंडा मिल सकता है आपको यहाँ पर। ये देखिए ठंडे ठंडे रखे हैं यहाँ पर, इतने सारे साबुन है, क्या क्या नहीं है यहाँ, हर चीज मिलेगी। कॉपी किताब से लेकर तेल वेल, हर टाइप का तेल है यहाँ पर। ये इतने टाइप का तेल है यहाँ, इतनी दालें हैं यहाँ। ये देखिए हर टाइप की आपको दाल मिलेगी यहाँ, हर टाइप का ठंडा एकदम सामान पूरा यहाँ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है। यहाँ हर टाइप की चॉकलेट, ये आइसक्रीम का अलग रखा है, वो मटर आती है सफल मटर भी अलग रखा है। हर मसाले आपको यहाँ मिलेंगे। ये हमारे मेरा अंकल आ रखे हैं आज। अंकल जी हेलो, ये भी अभी सवाल लेने आए, बता रहे कैसे हैं, पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हमें कैसे हैं आप। कैसा है, बढ़िया है सर। कौन चैनल है आपका? फैमिली ब्लॉगर। अच्छा, और अच्छा चैनल है, देखेंगे फिर बताएंगे हम। आप सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया। सो फाइनली अब हम घर को जा रहे हैं, मामू की दुकान से हमने वीडियो बना के अब हम घर को जा रहे हैं। क्या मस्त है। तो हर्षद, आपने हर्षद ने वहाँ सब्सक्राइबर भी जोड़े हैं, पता है? मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आपके सब्सक्राइबर जरूर जोड़ता हूँ। हाँ, तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज 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 करो, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल बढ़ाओ। और माँ संतोषी जनरल स्टोर है, प्लीज उससे जाके सामान लो, क्योंकि वो बहुत अच्छे सामान रखते हैं। और उनकी सामान का नीचे मैं वो दे दूंगी, दुकान का नाम और दुकान का नंबर मैं नीचे दे दूंगी। चल रहे हैं घर को, अभी अंधेरा हो गया, तो थोड़ा घर पहुँचती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, और मैं खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। किचन में जा रही हूँ, फिर बाहर आ जा रही हूँ किचन बाहर, क्योंकि कोई भी किचन में मेरे साथ जा रहा है और मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने वीडियो एडिट करनी है और वो पढ़ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सबसे पूछा, किसने कहा मुझे भूख नहीं है, किसी ने कहा कुछ कहा। आज दिन में राजमा चावल खाए थे, सब्जी खाई थी, और जब दिन में बहुत हैवी खाओ ना, तो मैंने चावल खाया। आज खाने की मेरी भी इच्छा नहीं कर रही है, और मैं बना रही हूँ मूंग की पतली पतली खिचड़ी और दही या रायता। दही, हाँ ये जो भी खाएंगे दही खाएंगे। तो ब्लॉग को, ब्लॉग को यही एंड करते हैं, शायद ब्लॉग बना लाए हैं, मैंने तो अभी ठीक से देखा नहीं है, एडिट करके लेके आए हैं। और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, अच्छा नहीं लग रहा तो भी बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो भी बताइए। दादाजी को भी अपने ब्लॉग के अंदर ले लिया है, और दादाजी को खुद इतना इंटरेस्ट आता है बनाने में बहुत ज्यादा। कल सुबह की बात है, तो दादाजी ने आवाज लगाई अन्नू, और मैंने नहीं, मैं काम कर रही थी। हाँ ये काम कर रही थी, अन्नू कहा। मैंने कहा दादाजी किसी काम के लिए बुला रहे, मैंने कहा अन्नू जाओ, बोला मैं योगा कर रहा हूँ, ब्लॉग बना दो। दादाजी ने बोला वीडियो बना, मैं ब्लॉग वो योगा कर रहा हूँ। योगा करेक्ट, सही बोला, योगा वाली ब्लॉग तो बिल्कुल देखना चाहिए। मतलब मैं ना उस टाइम झाड़ू लगा रही थी, तो मैं ऐसे ही अपने में लगी हुई थी, दादाजी ना योगा कर रहे थे, मुझे उतना ध्यान भी नहीं था। दादाजी कहे मेरी वीडियो बना, अब दिखा सबको। हाँ सही कह रहे हो दादाजी, सबको दिखाना चाहिए योगा करने का, अच्छा भी लगता है ना देखते हुए। मतलब खुद का इंटरेस्ट है ना उन्हें, तो मतलब किसी को अच्छा लगे ना लगे हमको बड़ा अच्छा लगता है देखते हुए कि हाँ हम देखते हैं घर में, वो लोग भी देखते हैं। दादाजी बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सब देख रहे होते हैं, फिर उन्हें सब बताते कि हमने आपको देखा, तो वो खुश हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे दादाजी को प्यार। तो गर्मी हो रही है दादाजी के लिए, थोड़ा सा गर्म हो रहा है, और अभी तो आज तो रुद्रपुर गए हुए हैं, फिर वो हल्द्वानी जाएंगे, फिर वो शायद जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से अब वो अक्टूबर के बाद आएंगे, फिर उनकी आंखों का ऑपरेशन भी कराना है, तो उसके बाद दादाजी कुछ दिन रहेंगे। तो आप ब्लॉग देखते रहिए, कैसा लग रहा बताइएगा। तो इस ब्लॉग को यही विराम देते हैं। ओके बाय, कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे। गुड नाइट।